हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसआर पेन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू में अगर आप चीटिंग या कॉपिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर अनफेयर मीम केस लगाया जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये अनफेयर मीम केस या UFM होता क्या है, क्या क्या करने की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर अनफेयर मीम केस या UFM लगाया जाता है, कैसे आप लोग इससे बच सकते हो, और अगर बाय चांस आपके ऊपर UFM लग गया तो उसके बाद क्या क्या करना होता है, इग्नू कौन सा लेटर आपको भेजता है, वो लेटर भी मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद का क्या क्या प्रोसीजर होता है, सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कम्प्लीट देखिएगा, आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, और ये वीडियो देखने के बाद से आप लोग का UFM के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नू के रिलेटेड या अनफेयर मीम केस UFM के लेके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अनफेयर मीम केस के बारे में सबसे पहले आप लोग को तब पता चलता है जब आपका रिजल्ट होल्ड पे रखा जाता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। याद रखना कि अगर किसी स्टूडेंट का अनफेयर मीम केस लगा रहता है तो उनका रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाता है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है और वो रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जब आप लोग रिजल्ट चेक करने जाते होंगे तो वहां पे नीचे में ही एक चीज लिखा रहता है नोट बोलकर कि इन केस एनी स्टूडेंट इज फाउंड टू बी बुक अंडर अनफेयर मीन्स द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी कैंसिल, उनका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट जिनका रिजल्ट पेंडिंग रहता है उनका ये भी चांस रहता है कि उनका मे बी अनफेयर मीन केस लगा हो जिसके वजह से उनका रिजल्ट अभी भी पेंडिंग हो। ठीक है, जब आप ग्रेड कार्ड चेक करते हो तो ग्रेड कार्ड में भी ये चीज साफ साफ लिखा रहता है कि अगर आपका अनफेयर मीन केस लगा रहेगा तो आपका ग्रेड कार्ड भी अपडेटेड नहीं किया जाएगा। हर साल इग्नू काफी स्टूडेंट्स के ऊपर अनफेयर मीन केस लगाता है। 2015 में तो 19,000 स्टूडेंट्स के ऊपर अनफेयर मीन केस लगा था और हर साल ही लगता है, लेकिन उसके बाद से 2015 के बाद इग्नू ने कोई डेटा जारी नहीं किया जिसके बाद से पता नहीं चला, लेकिन काफी स्टूडेंट्स के ऊपर अनफेयर मीन केस लगता है। तो आप लोग पहले ये जान लो कि आखिर अनफेयर मीन केस है क्या। बहुत से स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता कि अनफेयर मीन नाम का चीज भी होता है इग्नू में, तो आप लोग ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अनफेयर मीन केस जान लो कि अनफेयर मीन केस क्या होता है। ठीक है, अगर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन जो आप एग्जामिनेशन देते हो या असाइनमेंट बनाते हो वो अगर अनफेयर तरीका से अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो या असाइनमेंट बना रहे हो तो आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगेगा और आपका रिजल्ट और असाइनमेंट का मार्क्स होल्ड पे रख दिया जाता है। अब ये अनफेयर मीन्स जो है वो अनफेयर मीन्स किसको किसको इग्नू के रूल्स में बोला जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे बड़ा वजह जो इग्नू में ज्यादातर स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि नियर अबाउट अगर 100 स्टूडेंट्स का UFM लगता है तो उसमें से 90 स्टूडेंट्स का UFM इसी वजह से लगता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। अगर स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट एक दूसरे से कॉपी करता है एग्जामिनेशन हॉल में तो दोनों के ऊपर अनफेयर मीन केस लगता है, क्योंकि इन्विजिलेटर को ये नहीं पता रहता है, जो एग्जामिनर जो चेक करता है उसको ये नहीं पता रहता है कि किसने किससे कॉपी किया, इसलिए दोनों के ऊपर अनफेयर मीन केस लगाया जाता है। इसलिए कभी भी आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में जो अब अगर किसी स्टूडेंट से किसी फ्रेंड से अगर आप पूछते भी हो या कॉपी भी करते हो तो आपको सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है। अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में किसी स्टूडेंट के साथ से कॉपी किया या कुछ उससे देख के लिखा और आपका दोनों का आंसर शीट अगर सेम टू सेम अगर मैच कर गया तो आप दोनों के ऊपर अनफेयर मीन केस लगता है और आप दोनों का रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाता है और आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है और आपके घर पे इग्नू की तरफ से लेटर आता है अनफेयर मीन केस का। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी आप लोग अगर कॉपी कर भी रहे हो तो मेक श्योर कि सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछ भी रहे हो तो बस थोड़ा सा पूछ लो, अपने आपसे लिखो, लेकिन सेम टू सेम कॉपी अगर करोगे तो दोनों के ऊपर अनफेयर मीन केस लग जाएगा। बहुत से ये भी बोलते हैं कि मैंने तो कॉपी नहीं किया लेकिन आपने अपने फ्रेंड को कॉपी करने दिया, तो इसलिए दोनों के ऊपर लगता है अनफेयर मीन केस। तो आप लोग कॉपी करने से बचिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने अगर नोटिस कर लिया कि दोनों ने कॉपी किया है तो दोनों के ऊपर अनफेयर मीन केस लग जाता है। जो दूसरा वजह होता है अनफेयर मीन केस लगने का वो होता है चीटिंग करने से। ये तो बेहतर आप लोग को पता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करते हो और जो इन्विजिलेटर है वो पकड़ लेता है या मोबाइल फोन यूज करते हो आप इन्विजिलेटर पकड़ लेता है तो आपको वहीं पे UFM लग जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स इग्नू में चीटिंग करते हैं, चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इन्विजिलेटर के ऊपर। जो इन्विजिलेटर रहता है वो अगर आपका सिर्फ पेपर लेके या आपका जो आंसर शीट आप चीटिंग कर रहे हो तो वो लेकर सिर्फ उसको कैंसिल कर दे तब तो UFM नहीं लगता है, लेकिन अगर उस पर UFM का उसने चार्ज लगा दिया तब आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगता है। और अगर मान लीजिए जो चीट लेके आप लोग लिख रहे हो
और वो चीट को अगर आंसर शीट के साथ अटैच कर दिया तो वहीं पे आपका यूएफएम लग जाएगा और आपका वो रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा इग्नू में चीटिंग बिल्कुल भी मत करना। अगर आप पकड़े गए, जब तक आप कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन पकड़े गए तो आपके ऊपर अनफेयर मिनिंग केस लगेगा, फिर उसके पास से बहुत सारा प्रोसीजर होता है, आपका एक साल भी बर्बाद हो सकता है, इग्नू का पनिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चीटिंग से बचे, और अगर बाई चांस आप पकड़े भी गए तो जो इन्विजिलेटर है उससे इतना रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप कैंसिल कर दो पेपर, लेकिन यूएफएम उसके ऊपर नहीं लगाने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वजह होता है अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अगर चीटिंग करते हुए या मोबाइल फोन यूज करते हुए पकड़े गए तब भी आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाता है। उसके बाद से जो तीसरा वजह होता है, ये बहुत रेयर केस में होता है लेकिन ये भी एक वजह है, आप लोग जान लो कि अगर आपने असाइनमेंट दो अपने फ्रेंड से कॉपी किया तब भी आपके ऊपर यूएफएम लगता है, लेकिन ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, और ये बहुत रेयर केस में होता है क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो भी ये बेहतर जानते हैं कि नॉर्मली स्टूडेंट जो होते हैं वो असाइनमेंट कॉपी करके ही लिखते हैं, कोई भी अपने से नहीं लिखता है, ठीक है। तो वो लोग इसको निगलेक्ट ही करते हैं, लेकिन ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपका यूएफएम लग सकता है। एक और वजह है कि अगर आप स्टडी मटेरियल से सेम टू सेम अगर आंसर कॉपी करके लिख रहे हो तो जो एग्जामिनर है उसको ये समझ में आता है कि इसने जो बुक्स है उसी को अपने पास में लेके रखा था और खुद से उससे कॉपी किया है, तब भी यूएफएम लगता है अगर आपका स्टडी मटेरियल से सेम टू सेम अगर आप लिखते हो तब भी। लेकिन इसके ऊपर यूएफएम नहीं लगता है क्योंकि एक बार यूएफएम इसके ऊपर लगा था तो उसके बाद से एक लड़की ने केस कर दिया था हाईकोर्ट में, और उसके बाद से कोर्ट का फैसला जो आया वो स्टूडेंट्स के फेवर में आया क्योंकि कोर्ट ने यही बोला कि ऐसा हो ही सकता है कि कोई स्टूडेंट सेम टू सेम एकदम पूरा याद कर ले और याद करके लिखे, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए जब इग्नू यूएफएम लगाते हैं तो उसको भी बहुत ज्यादा डर रहता है क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ने केस कर दिया तो फिर वो फंस जाएगा, इसलिए उसके पास अगर पुख्ता रीजन होता है तभी इग्नू यूएफएम लगाता है। और खासकर इसलिए स्टूडेंट्स के ऊपर तभी लगता है जब कॉपी करता है स्टूडेंट तो दोनों स्टूडेंट को सिंपली समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट्स ने कॉपी किया हुआ होगा, क्योंकि जब आप लोग एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आप लोग देखना कि आप लोग का जो आंसर शीट का भी एक नंबर होता है, अगर कोई स्टूडेंट आसपास बैठा रहे तो दोनों का ऑलमोस्ट वन बाई वन करके नंबर रहता है, मतलब सीरियल नंबर पे तो वो रहता है, तो उससे समझ में आता है कि स्टूडेंट एक ही साथ बैठा होगा। और साथ ही साथ अगर सपोज आप वन का सी लिख रहे हो और दूसरा फ्रेंड भी आपका वन का सी लिख रहा है, उसके बाद आपने टू का भी लिखा और दूसरा फ्रेंड भी टू का भी लिखा, तो आप इन्विजिलेटर को सॉरी जो एग्जामिनर है उसको सिंपली समझ में आ जाएगा कि दोनों ने कॉपी किया है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लग जाएगा। अब जब अनफेयर मीन केस लग गया तब आपके पास इग्नू एक लेटर भेजता है जिसमें बताया जाता है आपको कि आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगा है और आपका ये पेपर कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अनफेयर मीन केस का जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये अनफेयर मीन केस का लेटर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो अनफेयर मीन केस टर्म एंड एग्जामिनेशन जो भी रहता है ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका प्रोग्राम लिखा रहेगा, आपने कौन सा पेपर में ये कॉपी किया या उसके वजह से आपको अनफेयर मीन केस लगाया वो दिया रहेगा, और कौन सा डेट पे एग्जामिनेशन था वो दिया रहेगा, और यहाँ पे चार्ज भी दिया रहेगा कि यू हैव कॉपीड फ्रॉम अनदर स्टूडेंट, ठीक है। उसका एनरोलमेंट नंबर भी दिया रहेगा, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों के ऊपर लगेगा, आपके ऊपर भी लगेगा और जिस स्टूडेंट से आपने कॉपी किया उसके ऊपर भी लगेगा। और क्योंकि आपको नहीं पता सॉरी जो एग्जामिनर है उसको नहीं पता कि आपने उससे कॉपी किया उसने आपसे कॉपी किया, ठीक है, इसलिए दोनों के ऊपर अनफेयर मीन केस का लेटर आता है, ठीक है। अब लेटर जब आ जाता है तो उसके बाद से दो तरीका होता है आपको अनफेयर मीन केस हटाने का। पहला ये है कि आपको जो स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन है वहां पे जाना रहता है जो कि इग्नू मैदानगढ़ी में है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लेना साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आपको एक डेट दिया रहेगा वहां पे आपको जाना होगा, अनफेयर मीन केस का जो कमिटी है वहां पे पेश होना होगा और आपको बताना होगा कि आपने चीटिंग किया तो क्यों किया या आपको अपोलॉजी करना होगा। मैं तो बोलूंगा कि आप लोग अगर जाओ, अगर कोई को लगेगा भी अगर किसी का यूएफएम लगा है तो वो जाके सिंपली अपने अपोलॉजी कर दे, क्योंकि अगर आप वहां पे डिफेंड करने जाओगे तो फिर उसके पास उल्टा फंसोगे क्योंकि उनके पास सबूत है तभी उन्होंने यूएफएम लगाया, ऐसे ही उन्होंने यूएफएम नहीं लगाया, तो सिंपली जाके आप अपोलॉजी कर दो, पहला बार रहता है तो इग्नू माफ कर देता है, ठीक है। तो आप लोग को करना यही होगा कि आपको दिल्ली मैदानगढ़ी जो इग्नू का हेडक्वार्टर है वहां पे जाना होगा अगर आपके ऊपर अनफेयर मीन केस लगा तो। लेकिन क्योंकि इग्नू एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, ऑल ओवर इंडिया में है, कोई स्टूडेंट मेघालय का है तो कोई स्टूडेंट यूपी का है, कोई कोलकाता का है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि दिल्ली में जाके अनफेयर मीन कमिटी के पास पेश हो। तो उसके बाद से क्या होता है कि आपको एक और चांस दिया जाता है कि आप हैंड रिटन अपोलॉजी लेटर इग्नू को सेंड करें तब भी आपके ऊपर से अनफेयर मीन हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी लेटर का एक फॉर्मेट होता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है, क्या क्या लिखा जाता है। उसमें भी आप अपोलॉजी करोगे, अपोलॉजी लिख के लेटर भेजोगे और एक सर्टेन डेट रहता है, उस डेट के अंदर अगर भेजोगे तो आपके ऊपर से अनफेयर मीन केस हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे 17 मई दिया हुआ था तो इससे पहले आप लोग को लेटर भेजना होगा, ठीक है। जो भी जिसको भी लेटर मिलेगा उसमें लिखा रहेगा। और ये भी मैं बता दूं कि आपको लेटर या तो आपको खुद से प्रेजेंस होना होगा या तो लेटर लिखना होगा, या दोनों में से अगर कुछ भी आपने नहीं किया तो आपका फिर रिजल्ट होल्ड पे रख दिया जाएगा, फिर आपको पनिशमेंट के तौर पर एक साल या दो साल के लिए
बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज सारा चीज लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से जब आपको इग्नू की तरफ के पास लेटर जो भेजना पड़ता है, अपॉलॉजी लेटर, उसमें क्या क्या लिखना होता है ये आप लोग देख लो, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है। जिसका भी यूएफएम लगा होगा तो वो काइंडली मुझे कॉन्टेक्ट कर ले, मैं आप लोग को बता दूंगा सारा चीज की कैसे कैसे लिखना होता है। फिर भी आप लोग चाहें तो ये वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टू द सेक्शन ऑफिसर ब्लॉक, ये एड्रेस है, वहां पे लिखना होगा सब्जेक्ट में अपॉलॉजी लेटर फॉर एक्सेप्टिंग अनफेयर मींस केस। ठीक है, आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, दिस इज टू स्टेट दैट आई अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर, आपका जो प्रोग्राम है वो, अपना जो स्टडी सेंटर में पढ़ते हो वहां पे जो एग्जामिनेशन दिया था जहाँ पे वो, उसका कोड लिखना, और ये भी लिखना कि आई हैव रिसीव अ लेटर नंबर, लेटर जो नंबर यहाँ पे रहता है आपका वो लिखना होगा आपको। ठीक है, और उसके बाद से आप बोल देना यहाँ पे कि आई डू एक्सेप्ट द चार्ज ऑफ कॉपिंग फ्रॉम एनरोलमेंट नंबर, जिसे आपने कॉपी किया है, आई परफॉर्म सच एक्ट विच इज अनएथिकल एंड मॉरली इनकरेक्ट एंड रॉन्ग, आई एक्सेप्ट दैट, आई कॉपी फ्यू आंसर एंड लेट हिम कॉपी फ्यू शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर फॉर माई आंसर से। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर्मेट में बनाया है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसी तरीके से आपको करना होगा, लेकिन सब यही कॉपी मत कर लेना। ठीक है, नहीं तो पता चला कि आप लोग को आंसर शीट पे भी UFM लग गया, सॉरी मतलब लेटर में भी UFM लग गया। ठीक है, तो ऐसा कभी मत करना। आप लोग को ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि आप लोग को यही फॉर्मेट में लिखना है, और इसी फॉर्मेट को लिख के इसमें जो जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे अपना डिटेल लिख लेना, उसके बाद से यही फॉर्मेट को आपको इग्नू की तरफ से भेजना है, तो आपका UFM हट जाएगा। और जब UFM हट जाएगा तो इग्नू की तरफ से ये लेटर आएगा कि आपका UFM हट गया है और अब आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। याद रखना कि पहली बार अगर आप गलती करते हो, पहली बार आपके ऊपर UFM लगता है, तो इग्नू उसको हटा देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आप अपॉलॉजी लेटर भेजोगे तो आपके ऊपर से UFM हट जाएगा, लेकिन फिर अगर दोबारा आपने गलती किया तो फिर उसके बाद इग्नू के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से स्टूडेंट्स को एक साल के लिए बैन कर दिया जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स को दो साल के लिए बैन कर दिया जाता है। ठीक है, फिर इग्नू में पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। ये सारा भी चीज है, डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कितना भरा है। ठीक है, किस तरीके से आपने चीटिंग किया या कॉपिंग किया, ये सारा चीज है। तो ये आपके पास लेटर आता है जिसमें बताया जाता है कि आफ्टर गोइंग थ्रू द रिपोर्ट ऑफ इवैल्यूएटर एंड सबमिशन मेड बाय द एग्जामिनेशन डिसिप्लिन कमिटी अनफेयर मीन केस, आपको हटा दिया गया है, अब आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप MT6 जिसमें भी लगा होगा आपका, वो एग्जामिशन दे सकते हो, एग्जामिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसके बाद से ये लेटर आता है जिसके बाद से आपको पता चल जाता है कि आपका अनफेयर मीन केस हट गया है, और उसके बाद से 6 महीने बाद आप एग्जामिशन दे सकते हो। बस अनफेयर मीन केस लगेगा तो आपका यही है कि आपका 6 महीने होल्ड पे रख दिया जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और अगर सेकेंड टाइम अगर आपका फिर से UFM लगा तब तो उसके बाद से जो इग्नू फैसला करेगा वही होगा, एक साल के लिए बैन कर सकता है या फिर परमानेंटली बैन कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग अगर एक बार गलती कर भी दिए हो तो दोबारा मत करना। सबसे बड़ा वजह जो मैंने बताया कि कॉपी नहीं करना है, अगर कॉपी करना भी है तो सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, और मैक्सिमम कोशिश यही करो कि किसी भी स्टूडेंट को कॉपी ना करो और कॉपी करने भी मत दो। ठीक है, खुद भी मत करो, कॉपी करने भी मत दो, और चीटिंग भी मत करो। ठीक है, अगर ऑनेस्टली से एग्जामिनेशन दोगे आप लोग तो फिर आपको कोई किसी डर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस ये वजह रहता है जिसकी वजह से आप लोग का रिजल्ट भी होल्ड पे रख दिया जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, और ये सब तरीके से अनफेयर मीन केस लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को समअप कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अनफेयर मीन केस UFM तभी लगता है जब आप कॉपी करते हो एक दूसरे से, तब अगर आप चीटिंग करते हो या मोबाइल फोन लेके बैठते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तब आपको अनफेयर मीन केस लगता है। और या फिर अगर आप असाइनमेंट भी खुद से देख के बनाते हो अगर किसी स्टूडेंट से, तब भी लगता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। और ये आपको लेटर मिलता है अगर अनफेयर मीन केस आपके ऊपर लगता है, तो उसके बाद से आपको ये लेटर भेजना पड़ता है इग्नू की तरफ से अपॉलॉजी करके, या फिर आपको दिल्ली जाना पड़ता है, और जब इग्नू अनफेयर मीन केस हटा देता है तो आपके पास ये लेटर आता है। इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को अनफेयर मीन केस के बारे में डिटेल में सारा चीज बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सबको बताएं कि ये कितनी बुरी चीज है, आप लोग इससे बच के रहना। और आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मौजूद का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और किसी भी डाउट के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।